Rajasthan is a region rich with history, stories, art, and architecture. It is shrouded with an aura of mystery, a desert region with its own distinct culture. Nawalgarh is a small but quintessential brushstroke on the beautiful canvas of Rajasthan. Located in the Shekhawati region, between the cities of Jhunjhunu and Sikar, Nawalgarh is a miniature heritage city housing exquisite havelis, forts, and frescoes. Come experience Nawalgarh through the eyes of its local residents. तो पहली दफे आप पौधा लगाने कब आए थे? 30 years ago. 30 years. अच्छा. This is my school. I study here and start to work for guiding on this place. Oh. 7 years I study on this place. Now you are in Shekhawati. The reason we call Shekhawati. Shekhawati is the large, glorious, richest, beautiful part of Rajasthan. All over Shekhawati you find more than 2,000 havelis. In Nawalgarh we have 150 havelis. So this is one of the best havelis. This haveli we call Podar Haveli. Podar is the surname of the family. Haveli means big house, beautiful painting. We call haveli, and also the place for wind you call haveli. इसके स्पेशल मतलब है ये मतलब पेंटिंग फ्रेस्कोस ओपन आर्ट गैलरी. अच्छा. मेन डिजाइन जो इसका जो आर्किटेक्ट है ना मुगल. हाँ. ये तो ये वहाँ से ईरान पाकिस्तान घूम गया. ये जो ईरान बोलते नहीं क्या. हाँ. वहाँ का ये स्टाइल है जो वहाँ की भी आप हवेली वगैरह देखोगे ना तो वहाँ का ये कॉपी करा गया है. अच्छा. लोग जाते थे तो वहाँ पे लोग जैसे यहाँ पे जितने भी चित्र वगैरह बनाया गया है तो ये कैसे मतलब यहाँ मतलब ऐसे नहीं बनाया गया तो ये मतलब से ट्रेवल करते थे वो वगैरह जहाँ उन्होंने वो चीज़ देखी ड्रॉइंग बनाया आर्टिस्ट को लेकर दे दिया वो वहीं पे बना दिया. जैसे उन्होंने ट्रेन देखी मुंबई में जाके तो ड्रॉइंग बनाया आर्टिस्ट को बताया ये भी बनाना. जो हर जगह पे जाते थे ना ट्रेवल करने के लिए तो कुछ ना कुछ इनको चीज़ दिखते थे तो वो फोटो खींच के आर्टिस्ट को बताते थे ये भी मानते चित्र यहाँ पे. अच्छा. इसमें तीन प्रकार की फ्रेस्को होती है. एक हो गई पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट में राजा महाराजा की लाइफ बताया गया है. और दूसरे नंबर की हो गई डेकोरेटिव जो घर को डेकोरेशन से सजाया गया फूल पत्तियों से. और तीसरे नंबर की अपने भगवानों की इनकी स्टोरी बताया गया रामायण ये इनका. हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया ने कहा क्योंकि जो हवेलियाँ हमारे जो रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज हुआ करती है उसको अदर एक्टिविटीज में भी अपन यूज कर सकते हैं. तो हमारे सेठ जी ने रामनाथ जी ने बिना कुछ संकोच किए अपनी हवेली को ट्रस्ट में दिया. यहाँ स्कूल बनाया हम सब के लिए. तो उनका ये था. अच्छा. उसके बाद में कई लोगों ने अपनी अपनी हवेलियों में कोई धर्मशाला कोई औषधालया इन्होंने बनाना शुरू किया. हमारे कांति कुमार जी पोतार हैं वो है कि वो उन्होंने देखा कि हेरिटेज को बचाना है अपने फादर की गुडविल जो जिन फादर ने इस हवेली को बचाने के लिए स्कूल बनाया. अब अंग्रेज फॉरेनर्स आते हैं इंडियंस आते हैं उनको अब यदि कुछ दिखाना है तो उन्होंने ये हवेली का छोटा छोटा सा एंट्रेंस लेकर उनको उन्होंने ये हवेली उनके लिए खोल दी थी क्योंकि उनका ये था कि हमारे फादर गुड विपत बढ़ी रहे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो हम इसमें ये कुछ कर नहीं सकते चाहते हैं कि मैंने कि इसका डेवलप हो. आज भी हमारे सेठ है हमारे राजे बाबू हैं ये चाह रहे हैं कि इसको और डेवलप किया जाए. इस मान कि यही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा नवलगढ़ का नाम हो हमारे हवेली को. इसलिए मानी ये जैसे ताज है वो चाहते हैं कि वो इसको भी वैसे ही बनाया जाए. उनकी मेंटलिटी ये आज बड़ी कर रहे हैं. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हैं जो हवेलियों के ओनर्स होते हैं वो उनके हमले पे ध्यान नहीं रखते हैं. मेन रीजन ये है भाई जब आपने हवेली बनाई आपके दादाजी ने इन प्रेजेंट आप घर में मेंबर 30-40 हो गए है ना. अब एक आप इंटरेस्टेड हैं
इसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन दूसरे भाई कहते हैं मेरे हिस्से को मैं छेड़ना, क्योंकि पारिवारिक जो ये है लड़ाई उसके कारण हवेलियां मेंटेन नहीं हो पा रही, क्योंकि सबकी मेंटलिटी एक सी नहीं होती है। दादाजी ने मनाई थी अच्छे के लिए, सब रहने के लिए, लेकिन उनके बच्चे हैं वो अब एक नहीं रह पाते। एक रहता है अहमदाबाद, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, साथ आते नहीं। ये पारिवारिक लड़ाई के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। The Shekhawati region presents itself as an interesting ground to study a distinct art form which cannot be found anywhere else. It's separated even from the other styles found in Rajasthan itself and has seen both a destruction as well as an effort to preserve it, both of which we saw just now being reflected in Nawalgarh. साजन भी जीवजड़ी चुड़ले ऊपर मैं लिखूं